जो आज की रेसिपी शायद आप सभी को देख के ही समझ में आ गया होगा कि मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। आज मैंने लंच में बनाया दाल पिट्ठी, बहुत दिनों बाद बनाया, कई महीनों से मैं सोच रही थी और मुझे बेहद पसंद है। आलू के चोखे के साथ, कई जगह आलू की भुजिया के साथ सर्व किया जाता है और बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी और बनाना बहुत ही आसान काम है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 कप अरहर की दाल को 2 बार पानी से वॉश करने के बाद आधे घंटे के लिए पानी में सोख होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे मैंने लिए 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्ची, बहुत थोड़ा सा पानी डालकर इसको दरदर आपको पीस लेना है। इससे ना दाल पिट्ठी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मेरी माँ जब भी दाल पिट्ठी बनाती थी तो इस तरीके से लहसुन पीस के जरूर ऐड करती थी। तो आपके साइड इसको क्या बुलाते हैं, किस नाम से जाना जाता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो प्रेशर कुकर में धुली हुई दाल को इसमें डाल दीजिए। दाल पिट्ठी बनाने का सबका अपना अलग तरीका होता है। कई लोग चने की दाल के साथ इसको बनाते हैं, कई लोग मिक्स दाल का यूज करके इसको बनाते हैं। अब इसमें जाएगा पानी एज रिक्वायर्ड, वैसे मैंने 2 गिलास पानी इसमें ऐड किया है। अब इसमें जो लहसुन और मिर्ची का हम लोगों ने पेस्ट तैयार किया था वो ऐड कर देना है। अगर आप लहसुन का पेस्ट नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। 1/2 चम्मच मैंने डाला हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा डालेगा हींग, हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और नमक जाएगा आपके स्वादानुसार। इसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 छोटा चम्मच देसी घी, इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। वैसे ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें या तो मत ऐड करें। अब लिड से कवर करिए और 4 से 5 सीटी आने तक लो टू मीडियम फ्लेम पे प्रेशर कुक कर लीजिए। जब 4 से 5 सीटी आ जाए गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए, इतनी में दाल गल जाती है। हाय, मैं हूं अर्चना। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती है, रेसिपी वॉच करते हैं तो लाइक का बटन जरूर प्रेस किया कीजिए। इससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, खुशी होती है कि आप सभी को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें एंड फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू। जब तक दाल बन रही है तब तक पिट्ठी के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। 1 बाउल में मैंने लिया गेहूं का आटा, तो गेहूं के आटे का मैंने कोई मेजरमेंट नहीं लिया, थोड़ा सा डाला नमक और 1/2 चम्मच मैंने डाला हल्दी का पाउडर। इसके बाद मैंने इसमें डाला एक सीक्रेट मसाला, तो वो कौन सा मसाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें डाला है बचे हुए आम के अचार का मसाला। आपके पास कोई भी अचार का मसाला हो जरूर ऐड करिएगा, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, जो पिट्ठी है ना फीकी फीकी से नहीं लगती, बहुत ही ज़्यादा यमी टेस्टी लगती है। तो पहले सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आपको इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार करना है, जैसे नॉर्मली हम लोग चपाती बनाने के लिए आटा तैयार करते हैं, बस वैसा ही आपको आटा लगा लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटे को गूंथने से क्या होता है कि आपको अपने डो का अंदाजा मिलता है और आटा जो है हमें जैसा चाहिए होता है वैसा हमारा बनके तैयार होता है। तो यहाँ पे मैंने सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है, 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से आप गूंथ लीजिए। इसके बाद आपको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देना है। इधर प्रेशर कुकर में भी सीटी आना स्टार्ट हो चुकी है, तो मैंने इन्हें 4 सीटी आने तक प्रेशर कुक किया और उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दिया। अगर आपके साइड 4 सीटी में दाल नहीं गलती तो आप 1-2 सीटी एक्स्ट्रा भी लगवा सकते हैं, उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं तो आटे को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ जो आटा है ना बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुपर सॉफ्ट बन के हमारा आटा तैयार है। हमारा आटा नहीं, पिट्ठी का आटा बन के तैयार है। ये देखिए जो इसमें बहुत अच्छी खासी लोच आ चुकी है, तो मैंने बनाने से पहले एक बार कुछ सेकेंड के लिए इनको गूंथ लिया है। हाथों में थोड़ा सा अप्लाई करेंगे सूखा गेहूं का आटा, जैसे कि जब हम पेड़े बनाए ना तो हाथों में स्टिकी ना हो, तो आपको बड़े बड़े पेड़े बना लेने हैं। तो जैसे आप चपाती का छोटा छोटा पेड़ा बनाते हैं ना वैसा नहीं बनाना है, आपको इनका जो पेड़ा बनाना है बड़ा बनाना है, क्योंकि जो इसकी रोटी बनेगी थोड़ी सी मोटी बनेगी और बड़ी बनेगी। मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा बड़ा पोर्शन लेके इसका बड़ा पेड़ा बना दिया है, तो एक्स्ट्रा पोर्शन पहले निकाल देते हैं। साथ ही साथ अगर आप सभी को मेरी आज की रेसिपी पसंद आती तो लाइक करिए, शेयर करिए और फीडबैक देना जरा भी मत भूलिए। तब आपको करना क्या है, थोड़ा सा सूखा आटा अप्लाई कर लेना है और हल्के हाथों से इन्हें रोल करना है। तो जैसे हम लोग नॉर्मली चपाती बेलते हैं ना, बस वैसा ही आपको रोल कर लेना है, बस चपाती से थोड़ा सा बड़े शेप में इनको बेल लीजिए। वैसे आप चाहें तो छोटी छोटी पूड़ियाँ बना के पिट्ठी का शेप दे सकते हैं, मगर ये बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है, मुझे ये बहुत ही इजी लगता है, तो मैंने यही प्रोसेस आपके साथ शेयर किया है। तो अब आपको करना क्या है, थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा अप्लाई करके इनको बड़े शेप में, रोटी से बड़े शेप में बेल लेना है, बहुत आसानी से बेल जाता है। तो इसकी थिकनेस मैं पूरी बेल लेती हूँ, तो आपको शो करती हूँ कि मैंने इन्हें कितना पतला या मोटा रखा हुआ है। तो ये ज़्यादा अगर आप मोटी कर देंगे ना तो अंदर से कच्ची कच्ची रह जाएगी जब आप इसको कुक करेंगे, और खाने में उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि फ्लेवर अंदर तक नहीं जा पाता है। तो मैं इसकी थिकनेस आपको शो करती हूँ, ये देखिए एकदम परफेक्ट है पिट्ठी बनाने के लिए। अब आपको लेना है कोई छोटी वाली कटोरी या ढक्कन, कटोरी की हेल्प से इनको छोटे छोटे पूड़ी के शेप में कट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि पिट्ठी एक समान बनेगी और देखने में भी सुंदर सुंदर लगेगी। तो यहाँ मैंने इन्हें कट कर लिया और ये जो पूड़ी है ना कटोरी के अंदर ही चली गई, इनको बाहर निकलने का जरा भी बन नहीं है, तो मैंने मगर निकाल लिया क्योंकि मुझे तो बनाना था। तो इसका जो बाहर वाला एक्स्ट्रा पोर्शन है वो हटा दीजिए।
इसके बाद बारी आती शेप देने की। तो बचपन में क्या होता था, मम्मी जब पिट्ठी बनाती थी ना तो शेप देने के लिए हम तीनों बनों को बैठा देती थी। तो ये बहुत ही आसानी से इस तरीके से बन जाता है, देखने में भी सुंदर लगता है। वैसे आप अपनी मनपसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं। हम तीनों बनों का ही काम होता था, जब भी मम्मी दाल पिट्ठी बनाती थी तो शेप देने का काम हम तीनों बनों का होता था, और बड़ा मज़ा भी आता था, हम लोग बहुत इंजॉय करते थे। इस तरीके से बहुत आसानी से हो जाता है। ये देखिए, आपको बस सील जो है बहुत अच्छे से करना है, जैसे कि जब हम इन्हें दाल में डाल के कुक करें तो ये ओपन ना हो। सेम प्रोसेस है, आपको सारी पिट्ठियाँ इसी तरीके से तैयार कर लेना है। बहुत आसानी से हो जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मगर ये जो रेसिपी बनती है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, टेस्टी है, और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए है ना, बहुत आसान तरीके से, बस आपको चारों ज्वाइंट को है आपस में सील कर देना। तैयार पिट्ठी को एक साइड में करके रख दीजिए, और इधर जो दाल हमारी है वो भी ठंडी हो चुकी है, और इसको ओपन कर लेते हैं। और ये देखिए जो दाल है बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। इस तरीके से पहले आप घोट के मिक्स कर लीजिए, इससे क्या होगा कि दाल एकसार हो जाएगी। और दाल में मैंने स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड किया था, क्योंकि जो पिट्ठी होती है ना वो दाल या पानी को एब्जॉर्ब करती है, तो दाल में पानी तो जाएगा ही जाएगा। तो चलिए अब इसका तड़का लगा लेते हैं। मैंने पैन में डाला देसी घी, देसी घी जब गर्म हो गया तो तड़का लगाया एक छोटा चम्मच जीरा का। जीरा जब चटकना स्टार्ट हुआ तो इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्ची। अदरक और हरी मिर्ची को कुछ सेकंड के लिए सौते कर लेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ प्याज। तो मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज का यूज किया है, और इसको बारीक बारीक कट कर लिया था। प्याज डालने के बाद आपको इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए हल्के सुनहरे कलर में आने तक फ्राई करना है। ओवर फ्राई नहीं करना है, बस उतना है कि प्याज हल्का सा नाइस गोल्डन कलर में चेंज हो जाए। तो यहाँ जो प्याज है बहुत अच्छे से नाइस गोल्डन कलर में चेंज हो चुका है। इसके बाद मैंने इसमें डाला 2 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद इनको पहले अच्छे से मिक्स करते हुए चला लीजिए, नहीं तो प्याज जो है नीचे से जलने लगेगा। मैंने अच्छे से टमाटर को मिक्स करके चला लिया। इसके बाद मैंने डाला 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और थोड़ा सा मैंने डाला नमक। तो टमाटर को आपको 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, ओवर फ्राई नहीं करना है। तो मीडियम फ्लेम पे इन्हें 2 मिनट के लिए भून लीजिए, जिससे टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद जो हम लोगों ने दाल तैयार करी थी वो इसमें ऐड कर देना है। तो दाल को पहले मिक्स करके चला लीजिए। उसी कुकर में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, ताकि थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए। गुनगुना पानी ही डालिएगा। तो दाल में मैंने डाला है 1 गिलास पानी, क्योंकि पहले जैसा मैंने बताया पिट्ठी जो है दाल को एब्जॉर्ब करती है, बाद में गाढ़ी हो जाती है। तो 1 गिलास मैंने पानी इसमें ऐड किया गुनगुना कर। दाल में जब बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें डालेंगे तैयार पिट्ठियों को। तो आपको सारी पिट्ठियाँ एक बार में ही ऐड कर देनी है। इसी स्टेज पे आपको नमक भी चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कि दाल पिट्ठी में नमक थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा और नमक ऐड कर लीजिए। मैंने चेक किया, मेरा नमक तो एकदम परफेक्ट था, तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया। 10 से 12 मिनट के लिए आपको धीमी आंच पे कुक करना है, जिससे कि दाल पिट्ठी बहुत अच्छे से कुक हो जाए, जरा सा भी कच्ची ना रहे। अगर आपको लगता है कि दाल पिट्ठी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो आप पानी को गुनगुना करिए, ऐड करिए, और कुछ मिनट के लिए इन्हें बॉयल कर लीजिए। मैंने गैस की फ्लेम को बंद किया, 1/2 नींबू का रस डाला, बारीक कटा हुआ हरी धनिया की पत्ती डाला, और ऊपर से तड़का लगाया प्योर देसी घी का, जो इसके टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। और बहुत ही लाजवाब, टेस्टी और हेल्दी दाल पिट्ठी बनके तैयार है। इसके खाने का मजा गर्मा गर्म ही है। मैंने इसे सर्व किया चोखे के साथ। होप आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, फीडबैक देना जरा भी मत भूलिएगा।